हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं आपके बीच इम्फेटिक सेंटेंस बनाने का एक जबरदस्त ट्रिक्स लेकर आया हूं। और ये ट्रिक्स के माध्यम से आप किसी भी तरह का इम्फेटिक सेंटेंस दिया हो, बस आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं देखते ही देखते। तो दोस्तों, आप ऐसे सेंटेंस को जो इम्फेटिक सेंटेंस आपके लिए हो, तो वैसे सेंटेंस को आप बिना हेजिटेशन का सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सेकेंडों में। तो देखिए, और मैं आपको छोटा छोटा ट्रिक्स बताता हूँ, और कुछ ही ट्रिक्स के माध्यम से आप कई प्रकार के सेंटेंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप बने रहें अंत तक और देखें किस प्रकार इम्फेटिक सेंटेंस को मैं बहुत ही इजी वे में आपके बीच पेश करता हूँ। देखो दोस्तों, मैं पहला नंबर रूल के बारे में डिस्कस करता हूँ, और बहुत ही संक्षेप में। और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि वाक्य में V1 का प्रयोग किया गया हो तो उसे इस प्रकार बनाते हैं। यानी आपको सिर्फ देखना है कि V1 यानी भव फॉर्म आपको आता ही होगा, और जो V1 में होगा तो बस V1 आपको देखना है, और V1 देखते ही आप सेंटेंस को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो जहाँ पर जिस सेंटेंस में V1 का प्रयोग हो तो उसको हम लोग सब्जेक्ट प्लस डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप के द्वारा बनाते हैं। यानी ये क्या है, उसका एक ट्रिक्स है। जहाँ पर आपको V1 देखे, जो भी सेंटेंस हो और इम्फेटिक आपको बनाना हो, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको डू लगा देना है, और जो लिखा है पूरा का पूरा सेंटेंस उतार देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ वर्ड सेंटेंस को दिया हूँ, जैसे मैं बनाता हूँ, आप भी बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे आई ईट ए मैंगो, यहाँ पर लिखा है आई ईट ए मैंगो, मुझे पता चल गया कि ईट क्या है, ये जो है ना V1 में है, ये V1 में है, तो मुझे ये रूल में क्या करना है, इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट को मैंने लिखा है, इसके बाद क्या करना है आपको, टू लिखना है, फिर जो भी लिखा हुआ है उसको पूरा उतार देना है। तो ये क्या हो गया, आई डू ईट ए मैंगो, ये सेंटेंस दोस्तों आपका बन गया, इम्फेटिक बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखते हैं, यू रीड इंग्लिश डेली, तो यू रीड, ये रीड जो है ना V1 में है, तो इससे पता चल गया कि यहाँ पर हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद डू का प्रयोग करना है, तो यू डू रीड इंग्लिश डेली, और ये सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, आपका बन के रेडी है। अगला देखते हैं कि वी सी द रामायण, वी सी द रामायण, ये जो सी है ना V1 में है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर वी डू सी द रामायण, ये क्या हो गया, सेंटेंस मेरा सही हो जाता है। दे राइट ए लेटर, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, दे डू राइट ए लेटर, और दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ये सब्जेक्ट के बाद डू प्रयोग कर देना है, सेंटेंस आपका इम्फेटिक में बन रहा है। अगला देखते हैं, राम एंड सीता गो टू फॉरेस्ट, जब दो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो भर प्लुरल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, राम एंड सीता क्या है, ये दो सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर V1 का प्रयोग हुआ है, तो V1 का प्रयोग हुआ है, उसके पहले हम डू का प्रयोग कर सकते हैं, या तो राम एंड सीता के बदले हम दे का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों भी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों ही मेथड में, राम एंड सीता डू गो टू फॉरेस्ट, और इसके बदले राम एंड सीता के बदले आप दे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो लिख सकते हैं यू डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी सेंटेंस हो, इम्फेटिक बनाना हो, और जिस यानी जहां भी V1 देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, आपको डू लगा देना है, और जो भी दिया है पूरा का पूरा उतार देना है, आपका इम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगला हम लोग देखते हैं पुनः नेक्स्ट सेंटेंस को, क्या लिखा है, यदि वाक्य में V5 का प्रयोग हुआ हो। पहला में हम लोग देखे कि V1 का प्रयोग था, लेकिन दूसरा में क्या देख रहे हैं कि V5 का प्रयोग हुआ हो तो उसे इस प्रकार बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं, तो क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, यानी जो सब्जेक्ट लिखा रहेगा उसी को लिखना है, इसके बाद डज लिखना है, और डज के बाद V1 लिखना है, डज लिखना है, इसके बाद V1 लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, सेंटेंस आपका बन गया, बस कुछ नहीं करना है। यानी वहां पर मैंने क्या किया था, डू का प्रयोग किया था, और यहां पर मैंने क्या किया, डज का प्रयोग किया, कब, जब V5 रहेगा
तो डज का प्रयोग करना है, इसके बाद क्या करेंगे पुनः भिवन का प्रयोग करना है और सेंटेंस को जैसे का तैसे उतारना है। तो सेंटेंस देखते हैं कैसे ये बनाया जाता है। जैसे सी ईट्स ए मैंगो, यहाँ पर देखते हैं कि ये भी फाइव फॉर्म में है, यानी जब भी एस ई एस या तो आई ई एस का प्रयोग होता है तो ये समझ जाना है कि ये मेरा भी फाइव फॉर्म में है। एस ई एस या तो आई ई एस के साथ भी फाइव फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एस है, यानी यहाँ पर भी फाइव फॉर्म में है, तो इससे पता चलता है कि सब्जेक्ट के बाद हमको डज लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद डज लगाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है सी इट्स ए मैंगो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सी लिखना है और इसके बाद मैंने क्या किया है डज लगाना है, यानी आपको डज लगाना है। फिर क्या करना है, ये जो भी फाइव फॉर्म में है इसको भी वन में लिखना है, तो भी वन में क्या करना है एस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा सी डज इट ए मैंगो, और ये सेंटेंस आपका बन के रेडी है। कोई भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर यहाँ पर मैंने डज लगाया, और जैसे डज लगाया तो ये जो भी फाइव फॉर्म है वो भी वन में आ जाएगा, और फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस बन गया। ही गोज टू स्कूल, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या करना है, क्योंकि ये भी फाइव फॉर्म में है, ये भी फाइव में है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है डज लगा देना है। फिर क्या करना है भी वन में लिखना है, यानी ये जो भी फाइव में था इसको मैंने क्या किया फिर भी वन में लिखा, तो ही डज गो टू स्कूल, और लास्ट में मैंने फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया। ये आपका एम्फेटिक सेंटेंस बन के रेडी है। अगला है राम राइट्स ए लेटर, तो राम सबसे पहले आपको राम लिखना है, ये राइट्स जो है ना राइट्स यानी ई एस लगा है, यानी ये वी फाइव फॉर्म में है, तो वी फाइव फॉर्म को क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको डज लगाना है, फिर क्या करना है ये आपको फिर वी वन फॉर्म में लिखना है, तो सी राम डज राइट ए लेटर। दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगला देखते हैं कि राधा लाइक्स यू, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नाम लिखना है राधा, इसके बाद डज लिखना है, क्यों डज लिखना है, इसलिए डज लिखना है क्योंकि यहाँ पर ये ई एस फॉर्म में है, यानी वी फाइव फॉर्म में है, तो राधा डज लाइक यू, और ये सेंटेंस क्या है आपका बन गया है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा, ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि आपको मैंने सबसे पहले ये बताया कि वी फाइव आपको जहां भी मिले सेंटेंस में इम्फेटिक बनाना हो और वी फाइव फॉर्म आपको समझ में आ गया हो या तो समझ में नहीं आती हो तो भी आप चल जाएगा। क्या करना है, जहां पर देखना है कि वर्ब के साथ या तो एस या तो ई एस या तो आई ई एस का प्रयोग हुआ हो तो भी फाइव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर देखा मैंने एस लगा है यानी भी फाइव फॉर्म में है, तो मैंने क्या किया सब्जेक्ट के बाद डज लगाया, फिर ये जो भी फाइव में था उसको मैंने भी वन में लिखा, फिर ए मैंगो था फिर ए मैंगो मैंने लिख दिया, सेंटेंस मेरा बन गया। नेक्स्ट राम राइट से लेटर है, तो राम लिखे इसके बाद राइट से भी फाइव में इसलिए मैंने डज लिखा, फिर यहाँ पर मैंने भी वन राइट लिखा, फिर ए लेटर मैंने लिखा, ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। और आप देखेंगे कि इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस होगा सेंटेंस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपना सा समझना चाहिए कि यहाँ पर भी फाइव जहाँ पर हम देखें तो मैंने क्या क्या सब्जेक्ट के बाद डज लगाना है और डज के बाद फिर भी वन लगाना है और पुनः जो जो है उसको पूरा उतार देना है, सेंटेंस आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं और एक जबरदस्त ट्रिक है, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि यदि वाक्य में वी टू का प्रयोग हुआ हो, पहले हम लोग देखे लेकिन अब यहाँ पर देखे क्या वी टू आ गया, सबसे पहला रूल हम लोग देखे थे वी वन था, फिर दूसरा में देखे कि वी फाइव था, और तीसरा रूल हम लोग देख रहे हैं कि वी टू का प्रयोग हुआ हो तो उसे इस प्रकार बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या करना है आपको डीड का प्रयोग करना है, बनाने के लिए डीड का प्रयोग करना है, फिर वी वन लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो जैसे आपको देखना क्या है सेंटेंस में वी टू का प्रयोग हुआ हो तो क्या करना है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखना है, इसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, फिर वी वन लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा के आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे आप देख सकते हैं कई एग्जांपल्स आपके बीच है, जैसे आई रॉट ए लेटर, ये जो रॉट है ना ये वी टू में है, क्या है ये जो रॉट है वो वी टू में है, वी टू मैंने यहाँ पर देखा कि वी टू हो तो क्या करना है सब्जेक्ट के बाद डिड लगाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ये रॉट वी टू में है इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों डिड लगाना है, फिर डिड लगाने के बाद ये जो रॉट है उसको भी वन में लिखना है तो राइट हो जाएगा।
तो आई डिड राइट ए लेटर और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देना है। तो आई डिड राइट ए लेटर, ये सेंटेंस यानी ये इम्फेटिक में आपका बन के तैयार है। अगला है राम साव ए फिल्म, राम साव ए फिल्म, ये जो साव है वो भीटू में, यानी सी का भीटू साव होता है, तो यहाँ पर ये भीटू में, इससे पता चलता है कि यहाँ पर हमको प्रयोग क्या करना है। तो पहले राम लिखना है, इसके बाद क्या करना है, डिड लगाना है, फिर साव का भी वन लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ए फिल्म है तो मैंने फिल्म लिख दिया, तो राम डिड सी ए फिल्म, ये सेंटेंस आपका बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन रहता है और ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, तो ये सेंटेंस को आप समझ लेंगे। अगला है कि दे प्लेड बॉल स्टडे, तो यहाँ पर क्या करना है, प्लेड जो है ना ये भीटू में है, इसलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, दे लिखना है, ये प्लेड है इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, डिड का प्रयोग किया, फिर प्लेड है इसको भीवर में लाएंगे तो प्ले हो जाएगा, तो दे डिड प्ले बॉल स्टडे, और ये दोस्तों आपका सेंटेंस इम्फेटिक में बन के तैयार है। अगला है वी एट ए मैंगो, वी एट ए मैंगो, एट क्या है, भीटू में है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको वी सब्जेक्ट लिखना है, वी लिखना है, इसके बाद क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे और ई एट है भीटू में, इसलिए इसको भीवन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ईट हो जाएगा, ईट होगा ना बाबू, हाँ यस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, तो वी डिड ईट ए मैंगो। देखो कितना आसान से ये सेंटेंस बन रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेधड़क पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ करना नहीं है, बस आपको भीटू देखना है, भीटू जहाँ पर मिले तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करना है और पुनः भीवन लगा के पूरा सेंटेंस को उतार देना है, सेंटेंस आपका बन जाता है। आपको ये सेंटेंस आई होप समझ में आपको आ रहा होगा और प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई भी सेंटेंस हो आप इजी वे में इस तरह से बना सकते हैं, बिना हेजिटेशन का, बिना कोई रुकावट का। अगला देखते हैं सेंटेंस को पुनः हम कैसे चेंज करते हैं। फोर नंबर ट्रिक्स है कि यदि वाक्य में प्लीज ऑब्लिक काइंडली का प्रयोग हुआ हो, आपको ये देखना है प्लीज या तो काइंडली का प्रयोग हुआ हो तो उसे प्लीज या काइंडली के बाद क्या करेंगे, डू जोड़कर इम्फेटिक सेंटेंस बनाते हैं। आपको सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का कोई भी सेंटेंस दिया हो और उसे आपको इम्फेटिक बनाने के लिए दिया गया हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्लीज और काइंडली वर्ड के बाद आपको डू जोड़ देना है, चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको सभी के साथ सिर्फ डू का प्रयोग करना है। जैसे सेंटेंस है कि प्लीज हेल्प मी, दूसरा है काइंडली पोस्ट दिस लेटर, प्लीज कम हियर, प्लीज गिव मी योर पेन, कुछ भी हो प्लीज या काइंडली का प्रयोग या तो अंत में या तो फर्स्ट में कहीं भी सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा हो। ये सेंटेंस जैसे काइंडली को लास्ट में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको सेंटेंस जब लिखेंगे तो इस मॉडल में ही आपको बना के लिखना है। जैसे प्लीज हेल्प मी, तो क्या करना है आपको, प्लीज डू हेल्प मी, ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, ये बन गया। आपको क्या करना है, प्लीज लिखे तो डू लगा दिए हेल्प मी और फुल स्टॉप था, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस आपका बन गया। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो आपको भी इसी तरह लिखना है काइंडली, इसके बाद क्या करना है, डू लगा देना है, यानी यहाँ पर प्लीज या काइंडली के बाद डू लगा देना है, फिर पोस्ट दिस लेटर, तो पोस्ट दिस लेटर लगा देना है, यानी मैंने क्या क्या यहाँ पर डू का प्रयोग कर दिया और यहाँ पर भी मैंने डू का प्रयोग कर दिया, ये सेंटेंस आपका इम्फेटिक बन के तैयार है। अगला लिखते हैं प्लीज कम हियर, तो आप क्या लिखेंगे, प्लीज डू कम हियर, ये सेंटेंस आपका बन गया। अगला है प्लीज गिव मी योर पेन, तो आपको लिखना है प्लीज डू गिव मी योर पेन, और ये दोस्तों आपका सेंटेंस क्या होता है, ये बन जाता है बिना कोई प्रॉब्लम का। आपको लगता होगा कि कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे जहाँ पर प्लीज या काइंडली मिले तो प्लीज और काइंडली के बाद क्या क्या मैंने डू लगा दिया, बस डू तो लगाना है, अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, बच्चा बच्चा भी बना सकता है, तो ये आपके एग्जाम में
एक से दो नंबर आपका एड कर सकता है। इसलिए दोस्तों आप थोड़ा ध्यान देंगे और कोई भी सेंटेंस को इजी वे में बना सकते हैं, प्लीज और काइंडली होगा तो उसके बाद डू लगा देना है और बेधड़क सेंटेंस को उतार देना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं जबरदस्त रूल के साथ कि यदि वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंस हो। इंपरेटिव सेंटेंस ये क्या होता है, एक आदेशात्मक वाक्य होता है, ठीक है ना। तो जैसे ये सेंटेंस हमको इंपरेटिव सेंटेंस समझना चाहिए कि ये सेंटेंस इंपरेटिव में है या नहीं है। तो इंपरेटिव सेंटेंस यदि हमको समझ में नहीं आती हो, मैंने कभी इंपरेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ा है, तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि कोई भी सेंटेंस का प्रारंभ यदि वर्ब से हो रहा हो, कोई सेंटेंस क्या हो रहा है वो वर्ब से प्रारंभ हो रहा हो, तो उसको हम सिंपली में इंपरेटिव सेंटेंस मान के बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है तो क्या बनाएंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डू प्लस दिया गया सेंटेंस को जोड़ते हैं। डू प्लस दिया गया सेंटेंस को जोड़ते हैं, जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो उसके पहले में आपको क्या करना है, डू लगा देना है और जो दिया गया है उसको जोड़ देना है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस बन के रेडी है। जैसे कम हियर, देखते हैं कम हियर, ये कम क्या है, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि कम हियर क्या कर रहा है, किसी को बुला रहा है, ऑर्डर दे रहा है ना। तो आपको यहाँ पर इसके पहले यानी सबसे पहले आपको डू लिखना है, इसके बाद कम हियर है तो कम हियर जोड़ देना है, डू कम हियर और लास्ट में फुल स्टॉप बना देना, हो गया। तो कम हियर डू कम हियर, कम हियर वो क्या बनाए, डू कम हियर, यानी सबसे पहले डू लगाना है, इसके बाद जो दिया गया उसको उतार देना है। जैसे सिट डाउन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डू लिखना है, इसके बाद यहाँ पर सिट डाउन लिखना है, आंसर बन गया। ओपन द डोर, तो सबसे पहले आपको डू लिखना है, फिर क्या लिखना है, ओपन लिखना है, और द डोर है तो डोर लिखना है, जो भी रहे आपको वहाँ से कुछ करना नहीं है, जो दिया है सेम उतार देना है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डू लिखना है, डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस आपका बन गया है। रीड योर बुक, तो सबसे पहले आपको डू लिखना है, रीड लिखना है योर बुक। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही सिंपल में मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, जहाँ भी इंपरेटिव सेंटेंस हो। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य होता है। यदि आपको ये समझ में नहीं आती हो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, छोड़ दो, जो भी वर्ब से इस प्रकार से प्रारंभ हो रहा हो, जैसे कम हियर हुआ, सिट डाउन हुआ, ओपन द डोर हुआ, या तो ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, रीड योर बुक, ऐसे कुछ भी सेंटेंस होगा जो वर्ब से प्रारंभ हो रहा हो वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको डू जोड़ देना है, इसके बाद जो दिया गया है उसको उतार देना है, सेंटेंस आपका बन गया। और अगला रूल जबरदस्त रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अवश्य देखें। आगे हम लोग देखते हैं अंतिम रूल इम्फेटिक सेंटेंस का है और इसको आप अवश्य समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है यदि वाक्य में हैव, हैज या हैड का प्रयोग हुआ हो तो उसे कैसे बनाएंगे, यानी हैव लगा हो, हैज लगा हो या तो हैड लगा हो तो उसका सेंटेंस में हम कैसे प्रयोग करेंगे, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाने में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैव है, तो हैव जहाँ पर रहे तो वहाँ पर लिखना है डू प्लस है, जहाँ पर हैज है तो वहाँ पर लिखना है डज प्लस हैड, और जहाँ पर हैड है वहाँ पर लिखना है डिड प्लस हैड, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। जहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ हो तो डू प्लस हैव का प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग किया हुआ हो तो डज प्लस हैव का प्रयोग करना है, और हैड का प्रयोग हुआ हो तो डिड प्लस हैव का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से ये सेंटेंस में बहुत इजी तरह से आप बना सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स को सॉल्व करके, जैसे आई हैव ए बुक, यानी हैव का प्रयोग हुआ है, हैव का प्रयोग हुआ है तो डू प्लस हैव लगेगा, तो क्या लिखना है, आई डू हैव ए बुक, तो आई डू हैव ए बुक, ये सेंटेंस क्या हुआ दोस्तों आपका बन जाता है। अगला है यू हैड ए चेयर, हैड है, हैड है, यानी हैड है तो डिड प्लस हैव, तो यहाँ पर लिखना है यू डिड हैव ए चेयर, तो यू डिड हैव ए चेयर, ये सेंटेंस आपका बन जाता है। अगला है सी हैज ए पेन, तो हैज है, तो डज प्लस है, तो यहाँ पर लिखना है आपको सी डज हैव ए पेन। अगला है दे हैव टू बुक्स, तो यहाँ पर आपको लिखना है दे डू
टू बुक्स। दोस्तों आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए प्रयास किया और आप प्रयास करते रहें और कोई भी सेंटेंस हो आप उसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं वो भी बिना प्रॉब्लम का। और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए आपसे आग्रह होगा कि आप गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को बजा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और वो भी सही सलामत। तो दोस्तों इस प्रकार और बहुत सारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में आप जुड़े रहें और फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।